नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इन्वेस्ट में। आप अच्छा चर्चा करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के जो क्वार्टरली नतीजे हैं उसके बारे में। इसको सबसे पहले प्रारंभ से बहुत शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले आपको ये नतीजे आपको दिखेंगे कहाँ, कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने गूगल के इंटरफेस में आप खोल लीजिए, बीएससी इंडिया टाइप करिए। बीएससी इंडिया का टाइप पर जैसे करेंगे तो ये आपको बॉम्बे स्ट्रक्चर का वेबसाइट खुलने लग जाएगा। जैसे ही ये आपका खुलेगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। ये इंटरफेस में आप सबसे पहले कॉर्नर में देखेंगे गेट कोड नाम से एक ऑप्शन आएगा। तो गेट कोड्स में जैसे आपको ऑप्शन आएगा, ये गेट कोड्स में आपको टाइप करना है आईसीआई बैंक। जैसे आप आईसीआईसी बैंक टाइप कर देंगे तो आपको ये आपका आईसीआईसी बैंक का खुले। अब इसमें इसका क्या है ना, पूरा रेट वगैरह जैसे 932.45 रुपये का है ये पूरा दिखेगा। आपको क्या करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करते जाना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक अनाउंसमेंट वाला कैप्शन आता है। अनाउंसमेंट वाला कैप्शन के नीचे सबसे लास्ट में देखिए आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, यही रिजल्ट होता है दोस्तों। इसको आप इसको क्लिक करने हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे आप दिखेगा आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब ये जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पीडीएफ फाइल दिख रहा है यही पीडीएफ फाइल आपका रिजल्ट है। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। अब जैसे डाउनलोड करेंगे आप देखिएगा ये खुलने लग जाएगा। अब ये जैसे खुलेगा आप देखिए ये आपका हो गया एक्सिस बैंक का। अब इसको हम ये भी लग यहाँ देख लेते हैं, इसको पढ़ना कैसे, जो इतना धांसू रिजल्ट आया है। धांसू रिजल्ट होता क्या है, कैसे पता चलता। तो इस पूरे जैसे ये ओरिजिनल आपको देखिए सील लगा के मिला है, इसमें सबसे पहले तीन चीज़ देखना है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहला सबसे पहले ये देखना है कि टोटल इनकम कितना है, ये आप देखिए बस ये तीन, सेप्टेम्बर 22 का, जून का और ये तीन महीने को ही मेन खेला है। अब सितंबर में 31,000 करोड़ है, 38,000 करोड़ रुपये आपका जून में है, सितंबर में 40,000 करोड़ के आसपास, मैं राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। तो आज के डेट में 40,000 करोड़ का इसका टोटल इनकम हुआ। अब एक्सपेंडिचर देख लीजिए, जो खर्चे हैं भाई 19,000 करोड़ रुपये के आसपास सेप्टेम्बर में खर्च किया है पिछले साल, जून में 24,000 करोड़, अब सेप्टेम्बर में 26,000 करोड़। इसका मतलब कि खर्चे उस पैमाने में भी स्लाइटली बढ़ा है, नेचुरली बढ़ेंगे जब काम बढ़ेगा तो। तो आप इनकम देखने के बाद सबसे मेन चीज़ आ गया आपका नेट प्रॉफिट पीरियड। तो नेट प्रॉफिट में देखिए ये है आपका दोस्तों गजब का, जो 7,000 करोड़ 22 में था, उसके बाद पिछले जून में 9,648 करोड़ रुपया था, इस बार 10,261 करोड़ रुपया इसका इनकम, मतलब कि बहुत धांसू प्रॉफिट कमा है इन्होंने। और उसके बाद सबसे लास्ट में देखना है जो एनपीए रेशियो, बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि इसका जो डूबत खाता है, जो लोन लेते हैं वो पटा नहीं पाते, उसको एनपीए राशि बोलते हैं। तो अभी तक का जितना पैसा है देखिए, इन्होंने पिछले साल तक का जो उन्होंने दिया था पिछले साल में 32,000 करोड़ रुपया जो है डूबत खाते में गया था, फिर जून में 31,000 करोड़ के आसपास का डूबा था, अभी 29,000 करोड़, मतलब ये देखिए रिकवरी हो रहा है, जिससे पैसा डूब रहा है उसको रिकवरी ले रहा है। इसका मतलब कि एक कंपनी बहुत अच्छा से प्रदर्शन कर रही है और बहुत ही धांसू रिजल्ट इनको बोलना चाहिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। और ये जैसे आपका देखिए हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करे थोड़ा सा, ये 5-10% हल्का से ग्रेजुअली नीचे आएगा, इसके बाद ये कम से कम आपको ये मान के चले कि 1100 के आसपास, ये 932 है, ये 1100 इसलिए अगले क्वार्टर तक ये आराम से पहुंच जाएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको माना जाएगा। तो आपको यही तीन चीज़ें आपको देखना है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।